हाँ जी, हाँ जी नेटवर्क डाउन है, अगर प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। जी ओम शांति। अपने स्वराज्य अधिकारी के सीट पर स्वयं को स्थित कर देते हैं। सारे ध्यान को दोनों ब्रेन के बीच में अपने ओरिजिनल स्वरूप में, स्वस्वरूप के ऊपर केंद्रित कर। और इस श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को अनुभव करते हैं। मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मालिक अपने कर्मेंद्रियों को ला और अड़र प्रमाण चलाने वाले मैं एक कुशल राजा अब मैं राजा अपने सारे कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि को ऑर्डर करती हूं कि आने वाले एक घंटे तक वो बिल्कुल ही मेरे अडर प्रमाण चलने है। मेरे मन है, मेरी बुद्धि, मैं आपका मालिक, आपको अडर कर रही यह सब मेरा पर्सनल समय है मेरे प्राणेश्वर के साथ सुंदर मिलन मनाने का समय, उसकी ज्ञान रत्नों से अपने झोली को भरने का समय। तो इस समय आप पूरे रूप से मेरे सहयोगी बनकर ही रहे। आप मेरे विश्वस्त मंत्री हैं, तो बहुत अच्छे, सदा मेरे आदेश को पालन करने वाले। तो अभी भी आप एकदम एकाग्र होकर मेरे इस कार्य में सहयोगी। और अब मैं आता स्वयं को नशे में भरपूर कर रही हूं। मैं आत्मा, कितना ना भाग्यवान इस संसार में, अगर सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान कोई है तो वह मैं ब्राह्मण आत्मा
पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि इस संगम मेरी पालना डायरेक्ट भगवान ने कर दी। जिसका क्षणिक झलक पाने के लिए आज सारे संसार की आत्माएं तड़प रही हैं, वही परमात्मा मेरे भाग्य का गुणगान करते। जिसका अपने प्यार और शक्तियों से मुझे पालते, उस सर्वोच्च उस सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वोपरे सर्वश्रेष्ठ धाम में रहने उस महाज्योति, रोज मेरे पास आते, मेरे दिन का शुरुआत उनके साथ ही होता, बहुत लाड़ प्यार से मुझे उठाते, वरदानों से मेरी झोली को भर देते। और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जिसका आदि अंत बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं पा, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मुझे प्रदान। और सारे दिन अलग अलग संबंधों से मेरे साथ रहकर मेरा साथ निभाते, वो सचमुच मैं ब्राह्मण आत्मा कितना ना भाग्यशाली। मेरा इस उच्च भाग्य का सिमरन इस कलयुग के अंत में भक्त आत्माओं ने कर, और मेरे भाग्य को सिमरन कर उन्होंने खुद को भी भाग्यशाली समझते। और इसके श्रेष्ठ अंश ले लेने के लिए आज भी सब आत्माएं तड़प, मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के नाम पर दुनिया के नामधारी ब्राह्मण अपने जीवन को चलाते हैं। सचमुच मेरा कितना सुंदर भाग्य, मेरी पवित्रता की पावर इस सृष्टि का फाउंडेशन, मेरा हर एक संकल्प हर एक बोल इस विश्व परिवर्तन के लिए ही। ऐसे जिम्मेवार आत्मा जो स्वयं भगवान ने इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया, उस अलमाइटी बाप का मैं सर्वश्रेष्ठ रचना मास्टर अलमाइटी, तुम्हें मास्टर अलमाइटी याद, अपनी भ्रुकुटी की कुटिया पर विराजमान
परमधाम से आते हुए उस अलमाइटी बाबा की किरणें को प्यार कर रही। उनके छत्र छाया के नीचे में बैठी और बैठकर उनकी श्रेष्ठ ज्ञान इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मैं सुन भी रही हूं, तो उसकी स्वरूप भी बन रही हूं। एक एक महावाक्य अपनी बुद्धि में सबकॉन्शियस माइंड में भरती जा रही और उसका स्वरूप बन उसे कार्य में लगा रही। ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप में स्थित होकर उस परमात्मा के महावाक्य अपने अंदर धारण करने जा रहे। और साथ में सुंदर दृश्य को अपने स्मृति पटल पर लाए। हम अपने बेहद घर मधुबन हिस्ट्री हॉल में बैठ डायरेक्ट बाप दादा से महावाक्य सुन रहे। ओम शांति। आज हम 2 फरवरी 1977 की बाबा की मीठी मुरली अपने अंदर धारण करेंगे। मुरली का टाइटल है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला स्वयं द्वारा आपका साक्षात्कार करा सकते। तो इस मुरली में प्यारे बाबा हमारे भाग्य को देखकर भाग्य हर्षित हो रहे हैं और उसका गुणगान भी कर। और बाबा ने एक सुंदर विधि बताई है कि बाबा की सिमरण की माले के मन का बनने के लिए बहुत सहज और सरल विधि बताए हैं कि अपने भाग्य को सुमिरन करो, अपने भाग्य के गुणगान, और साथ साथ आज हम सब ब्राह्मण कुल दीपक को बाबा देखकर उसका वास्तविक अर्थ बता रहे हैं कि कुल दीपक का अर्थ क्या है। और एक बहुत सुंदर पॉइंट के ऊपर आज बाबा ने अंडरलाइन कराए हैं, जैसे हम सब जानते हैं स्मृति स्व समर्थि, तो स्मृति स्व समर्थि के बीच में जो गैप है, स्मृति स्वरूप अगर हम कहते हैं तो समर्थि क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसको बाबा ने बहुत विस्तार पूर्वक बताए हैं। और साथ साथ जो इस मुरली का सुंदर है ब्यूटी ये भी है कि आज बाबा ने हमारे कर्म से हमको नवयुग का दर्शन कर, जैसे हम सतयुग का वर्णन करते हैं कि कैसे होगा आने वाला सतयुग, जमुना के किनारे पर कौन रह सकते हैं, श्री कृष्ण के साथ कौन पढ़ेंगे, कौन राज करेंगे, कौन रॉयल फैमिली में आएंगे, कौन बारिश में आएंगे, ये सब हम अपने कर्मों से कर्म रूपी दर्पण से कैसे साक्षात्कार कर पाएंगे, ये भी बाबा ने बताया।
और साथ साथ टीचरों के साथ भी मुलाकात की है। तो आज उसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आज आए। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती, और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती, सिर्फ संगम पर ही। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित हो रहे। तो बाबा पूछ रहे हैं, सोचो ऐसा भाग्य क्या हो। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सिमरन के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंचल के लिए भी सभी तड़पते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हो जिसके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते, तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो, तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, और ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। बाबा ने कितने ऊंची नसा सिखा। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना रहे करता रहे। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन कर सके, ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो? सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। तो आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति तो लगा जगाते हैं ना। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है, तो चैतन्य दीपक बुझ कैसे सकते। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है ना। अगर कोई कहे कि स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं लेकिन समर्थ ही नहीं, तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति है ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वो गायब क्यों हो जाती, क्या कारण? एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? तो बाप कहते हैं
साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो, अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते। बुद्धि के अहंकारी नाम और शान के अहंकारी बन जाते। सदा अपने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकार को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रियलिटी में होते हैं ना, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवी देवता जीवन। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो, एक अलंकार को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई तीन पकड़ते हैं तो कोई चार पकड़ते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। पूजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं। वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती है। जब भुजाएं हिलती रहती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए कितने भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना, किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। इसीलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकते। अलंकार को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार है। रोज कोई नई रंगत होती, माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनते हैं और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसीलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारी धारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश तो देते हैं, लेकिन स्वयं मायाजीत है या नहीं यह सोचते ही नहीं। इसीलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकार। अच्छा, ऐसे सदा अलंकारी निरहंकारी निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले सदा के विजयी, सदा जग जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों की दीपक को बाप दादा का याद प्यार और नमन, इससे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और
दादी जी के साथ पढ़ना है क्या? हाँ जी, दीदी जी के साथ पढ़ सकते हैं। तो दादी जी के साथ से नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है? पहले ओम शांति भाई जी। इतना ही पढ़ा भाई, पार्ट वन ही पढ़ना था, बस हो गया। अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। तो बाबा कह रहे हैं, जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा कह रहे कि कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे, वह है हद की हस्तरेखाएं और यह है कर्म की रेखा। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं भी श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाएं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। तो अभी बाबा एक एक करके बता रहे हैं। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही जमुना के किनारे सात महल वाले होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही जमुना के किनारे सात महल वाले। तो श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी तो होंगे ना। तो जिसका सदैव पढ़ाई और पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहां भी भविष्य पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो यहाँ जिनकी बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहां रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रियलिटी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती है, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारी हुई मूर्ति, ऐसी रियलिटी वाले रॉयल फैमिली में आए। बारिश कौन होंगे बनेंगे? बारिश अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे। तो अब हरेक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूं, यह पहली है। किसी किसी का सारे जीवन में सात सात पाठ भी है, सात पढ़ने का, सात रास करने का, सात महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी सात होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है, यह है नई दुनिया की रूपरेखा। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने हमें मुरली में क्या बताया। जी बोलिए, जिसने हैंड रेस किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज श्रृंगार के बारे में कहा है कि हमें कौन सा श्रृंगार करना है, कौन सा सजना है। तो हमें बाबा के गुण धारण करना है, गुण के अनुसार चलना है। बाबा के श्रीमत के अनुसार चलेंगे तो बाबा ने बताए हुए गुण हमें धारण करने को मिलते हैं। इसलिए वो सजा, उसके लिए पवित्रता होना चाहिए। पवित्र जब हम रहेंगे तब सब गुण धारण करते आएंगे। इसलिए पवित्रता का भी इम्पोर्टेंस बाबा ने आज बताया है। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो एक ही करके बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। बाबा ने आज कहा कि जो मिलन मनाने का युग है वो कल्प कल्प में तुम्हें अभी मिलता है। तो अभी मतलब जब हम ब्राह्मण बनते हैं, अलंकारी जो हमारा गायन है, बाबा ने कहा अलंकारी तुम इसलिए नहीं बनते, कभी लेते हो कभी छोड़ते हो। तो जो अलंकार है हमारे, वही जो चारों अलंकार हैं, उसमें बाबा ने फिर कहा है कि तुम जो मतलब अहंकार बुद्धि का, कभी अहंकार बुद्धि का आता है, कभी मान शान का आता है तुम्हारा अहंकार, और कभी तुम्हें उसका इन अहंकार आने के कारण ही तुम देह अहंकारी हो जाते हो, तो इसलिए फिर तुम अलंकारी नहीं बन पाते। ओम शांति। ओम शांति आत्मा। ओम शांति आत्मा। बाबा ने कहा है कि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसके लिए हम अलंकारी हमें बनना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलंकारी नहीं, हम देह देह के चक्कर में बंध जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि हमें अलंकारी और श्रृंगार को सदा कायम रखना है। और अगर हम अपने शक्ति रूपी भुजाए को, हमारी जब हिलती रहेगी शक्ति रूपी भुजाए, तो हम अलंकारी अलंकारी नहीं बन सकते और बाप के साक्षात्कार नहीं कर सकते और नहीं करा सकते किसी और को। और तो इसके लिए हम हमें अपने शक्ति रूपी को हमें हिलना नहीं चाहिए, हमें अलंकारी बनना है। और माया रूप से हमें माया रूप दूसरे को हम संदेश देते हैं कि माया रूप से दूर रहो, लेकिन हम अपने आप को चेक करना कि हम माया से माया जीत बने हैं कि नहीं। जी, किस अलंकार की बाबा ने बात की है यहाँ पे, कौन से अलंकार है, शेयर करेगा कोई? बाबा ने कहा साकारी सो अलंकारी बनो। कौन से अलंकार हैं हम ब्राह्मणों के? दीदी ओम शांति। साकारी में जो विष्णु के अलंकार दिखाते हैं वही है ना, जैसे शंख चक्र गदा कमल फूल। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अलंकारी बनना है, यानी कि किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं लेकिन अलंकारी बनना है। तो सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण अपने को हम बाप का साक्षात्कार भी नहीं कर सकते हैं। तो जो शक्ति रूपी भुजाओं को हमने मजबूत बनाना है, नहीं तो अलंकारों को धारण ही नहीं कर सकेंगे। तो जब हमारी शक्तिशाली अवस्था होगी, सर्वशक्तिवान होंगे, तो हम अलंकारों को पहले तो हम जानते नहीं थे, अब बाबा ने हमें धारण कराए हैं। तो अब बाप हमें हमारे बच्चों की जो कमजोरी है उसकी देखते हुए हमें समझा रहे हैं
अलंकारों के लिए। तो इस प्रकार बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दिया, हमें व्यर्थ दर्शन नहीं करना। ऐसे बाबा ने कमल पुष्प समान, और जो हम कमल पुष्प के बजाय कमजोर बन जाते हैं, इस प्रकार बाबा ने हमें अलंकार दिए हैं। ओम शांति। और मेरा पॉइंट ये था कि बाबा ने हमें चैतन्य दीपक की समान में स्थित होने के लिए बताया कि आप चैतन्य दीपक हो, आपकी अखंड ज्योति जगती रहती है, और हमें अपनी इस जो ज्योत की निशानी है इसी स्मृति में और समृद्धि स्वरूप में रहना है। यही हमारा स्मृति और समृद्धि का संबंध है। ओम शांति। जी, और भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने हैंड रेस किए हैं। शांति सिस्टर, आज बाबा यस बोल रहे अलंकारी क्यों नहीं बनते। हम कभी कभी हम देह अभिमान में आ जाते हैं, हम हिलते हैं तब अलंकारी नहीं बनते हैं। हमें देह अभिमान में नहीं आना, अलंकार में ही रहना है, हमें साकार में कमल पुरुष समान रहना है। ओम शांति। जी, ओम बोलिए। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज जो अलंकार को धारण करने के लिए बोला, बाबा ने बोला कि दीपक गुण और शक्तियों की अलंकार अलंकार को धारण करना है। मैंने ऐसे समझा। ओम शांति। बोलिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा कहते हैं कि व्यर्थ दर्शन की जगह स्वदर्शन चक्र, मतलब त्रिकालदर्शी बनना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कार्य करना है। और कमल पुष्प के जैसे, मतलब कीचड़ में जैसे कमल पुष्प रहते हुए भी अपना पवित्र रखता है, वैसे ही हमें बनना है। जी, इसमें दीदी जो दो दो अलंकार बच गए, जैसे शंख है तो शंख का ज्ञान सुनना और सुनाना है, जो शंख ध्वनि है बाबा की तो वो ज्ञान सुनाने की है, और जो गदा है वो हमारा योग बल का यादगार है ना दीदी। तो चारों अलंकार तभी तो हुए ना हमारे, व्यर्थ का हो गया सुदर्शन चक्र, कमल फूल हो गए हमारी पवित्र धारणाएं। जी, एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब, एक्चुअली मुझे ये दो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, गदा और शंख, शंखनाद का? जिन्होंने शेयर किया वो करना चाहेंगे एक्सप्लेन, या फिर कोई और करना दीदी चाहता है तो? दीदी जैसा माया आती है तो हमें उसे योग बल से अपने, मतलब जैसे गदा बलशाली दिखाते हैं, तो उसी तरह से हमें अपनी शक्तियों को धारण करके अपने और उनको माया को परख के, तो उसको मतलब अपना युद्ध से कभी हारना नहीं है, उन्हें अपने योग बल से उन्हें हटाना है माया का जो भी सूक्ष्म रूप है। और शंख है कि हमें बाबा का पहले ज्ञान सुनना है, धारण करना है, फिर औरों को भी सुनाना है, आप समान बनाना है। ओम शांति दीदी। मैं आत्मा तो इतना ही समझी दीदी, आप बाकी और आप बता दो। जी, बहुत अच्छा। और कौन शेयर करना चाहते हैं? जी, जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज अलंकारी का जो बताया है, जो आप अलंकार के लिए पूछ भी रहे थे, तो सबने शेयर भी किया। शंख चक्र गदा पद्म कमल, तो ये तो अलंकार है ही है हम ब्राह्मणों के। और बाबा ने शक्तियों का वर्णन किया है, शक्ति रूपी भुजाओं का, तो भुजाओं का अलंकार शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां जो देवियों को दिखाए जाते हैं। बाकी अगर कभी अलंकार दूसरे धारण करने होते हैं तो मैं सातों गुणों के अलंकार यूज करती हूँ,
जैसे मैं अगर पवित्रता गुण ले रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि मैंने पवित्रता की बिंदी लगाई है, मैंने पवित्रता की अंगूठी पहनी है, मैंने पवित्रता का कंगन पहना है, मैंने पवित्रता के पैरों में पायल पहने हैं। तो मेरा ऐसा है, मैं जिस दिन भी ऐसा बाबा का आता है, वैसे ज्यादा तो याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसा होता है, यानी पवित्रता गुण पे भी करना होता है, तो इसी तरह से अपने आप को सारे गहने पवित्रता के पहना लेते हैं। ज्यादातर मेरा चिंतन पवित्रता पे चलता है, तो मैंने वो शेयर किया है ओम शांति। बाकी तो सारे ही गुण हम धारण करके, जहाँ भी हमें धारण करना हो, जहाँ जैसे मुझे बोल में कभी बोलना है तो यानी मधुर बोल बोलने हैं, लेकिन उसमें भी जैसे प्रेम पूर्वक बोलना है, तो वो सब उसकी होठों पे मुस्कान, तो जो भी हमें गुण होते हैं, अलंकार यानी गुण, सॉरी अलंकार यानी गहने, तो कोई भी गुणों के गहने हम पहन सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोलिए तेजा दीदी, आप बोल दीदी सकते हैं। दीदी इसमें मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहती हूँ, तो जैसा हमारे चार सब्जेक्ट हैं, तो चार सब्जेक्ट भी हमारे वो अलंकार ही हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, सेवा जी है ना दीदी? क्योंकि जी ज्ञान हो गया हमारा सुदर्शन चक्र, और योग हो गया गदा, और सेवा होगी हमारा शंख, और धारणा है हमारा कमल फूल। जी और मुरली में हमने सुना है, देखो साकार मुरली में बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान की तलवार हो और योग की ढाल हो उसमें। तो इस तरह से बाबा बहुत नवीनता के साथ बोलते हैं, ये सभी क्या है, जैसे शक्तियों को, देवियों को दिखाते हैं ना, बहुत सारे अष्टभुजाओं के साथ सारे अस्त्र शस्त्र, तो वो सभी क्या है, वो अलंकार ही है। जो अलंकार देवताओं को दिखाए गए हैं, देवी देवताओं को, वो बाबा कह रहे हैं कि वो देवी देवताओं की नहीं है, वो सभी श्रृंगार, वो सभी हम ब्राह्मणों के हैं, ब्राह्मण जीवन के अलंकार हैं, यही बाबा ने आज मुरली में बताया। जी बोलिए तेजन दीदी, आपको शेयर करना है। हाँ जी सिस्टर, मैं वो ही बोलना चाहती थी अभी जो आपने दोनों ने बताया। तो बाबा ने पहले तो शुरू किया ज्योति से, कि हमारी जो ज्योति है वो कभी बुझती है कभी जगती है, तो ऐसी जो बुझी जगी होती है वो अच्छी नहीं लगती है ना, तो इसलिए हमें निरंतर अपने आत्मिक स्मृति में रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप, उससे ही समर्थी स्वरूप जागेगा। तो जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी स्मृति से। फिर बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल दिया बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो बाबा ने स्वमान लिए, तो ये है हमारे अलंकार। हमारे जो चार सब्जेक्ट है वो भी अलंकार है, हमारे सात गुण है, शक्तियां है, ज्ञान गुण शक्तियां पवित्रता, वो सभी हमारे अलंकार है। और जो देवताओं को चार कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, अभी किसी ने शेयर किया, तो शंख है सेवा नाद, सेवा का शंख नाद करना है, फिर ज्ञान का चक्र चलाना है, स्वदर्शन चक्र हमें हमेशा घुमाते रहना है, फिर योग बल से, ये जो गदा है वो हम योग का बल धारण करके ये सब शक्तियां धारण कर सकते हैं, और फिर धारणा, तो धारणा है पद्म कमल समान। तो ये चारों बाबा ने यहाँ कवर किए हैं, तो अलग अलग तरीके से बाबा हमें यही समझाना चाहते हैं कि बच्चे हमेशा अपने आत्मिक स्मृति में रहो और अपनी सर्व गुण शक्तियां पवित्रता ज्ञान वो सबको अपने फिंगर टिप्स पे रखो, मीन्स हमेशा अवेलेबल, अलर्ट एंड अवेलेबल, तो ही आप ये अलंकारी सजी सजाए स्वरूप में स्थित रहकर बाबा का साक्षात्कार और स्वयं का भी साक्षात्कार करा सकते हो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो अभी जो बाबा ने दीदी जी के साथ मुलाकात की, तो बाबा ने बताया कि हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे सतयुग में अपना पार्ट निभाएंगे, तो एक-एक करके सभी शेयर करें। बाबा ने क्या बताया, बहुत सारी चीजें बताई, तो एक-एक पॉइंट सभी शेयर करें कि कैसे हम भविष्य में खुद को देख सकते हैं, अपनी भाग्य की रेखा को स्पष्ट अपने कर्मों से देख सकते हैं कि किनके महल होंगे वहां पर,
या कौन पढ़ाई करेंगे कृष्ण के साथ, कौन राज करेंगे, कौन रॉयल फैमिली में आएंगे और कौन जो है अधिकारी बनेंगे वहां, राज्य अधिकारी। तो ऐसे एक एक करके सभी पॉइंट शेयर करें। दीदी मैं बोलूं जी, जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक, सोहन जी? भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो जो लोग यहाँ पे अपने आत्मा के खुद के मालिक होंगे, अपनी आत्मा से सारे कर्मेंद्रियों से काम ले रहे होंगे, वे भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, वे वारिस बनेंगे और उन्हें ही सब कुछ मिलेगा। अगर यहाँ अधिकारी नहीं बनेंगे तो भविष्य में भी अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए कहना भाई जी। बाबा कहते हैं कि जो पुरानी दुनिया से किनारा कर लेते हैं तो वो उनके महल सतयुग में श्री कृष्ण के वहां रहेंगे, बाजू में, और जमुना के कंठ। और जो अभी पढ़ाई पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ाई एक पॉइंट, करते एक हैं या एक करके पढ़ाते एक हैं। पॉइंट शेयर कीजिए। आपने अच्छा, वो पॉइंट ओम पूरा नहीं शांति। बताया कि दुनिया से तो किनारा किया ही है, लेकिन जी, किनारा करके क्या किया है, बाप को साथी बनाया है सदा का। साथी बने। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किनारा किससे किया है और साथ किसका लिया है। जी, जी ओके, थैंक यू। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। दीदी जी ने यहाँ का अस्बाब मिलाने का राज किया, वही बाबा के साथ वहां राज करेंगे। जी जिन्होंने यहाँ का अस्बाब मिलाने का राज किया, वही बाबा के साथ वहां राज करेंगे जी। ओम शांति। जी जी बोलिए सोमिया जी। सोमिया जी सिस्टर बोल सकते। बाबा कहते, या ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अपना जो नई दुनिया के स्थापना करने के निमित्त आत्माएं हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं, वो अपनी पुरुषार्थ में की रफ्तार उनकी कैसी चल रही है, पहले तो ये चेक करना है रोज का रोज, हर पल, और फिर वही फिर नई दुनिया में नवीनता लाते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों द्वारा, अभी के कर्मों द्वारा अपनी तकदीर की लकीर इतनी अच्छी खींचनी है और जीवन रूपी बिल्डिंग को की इमारत को इतना सुंदर और संपन्न बनाना है कि हम नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राजभाग के अधिकारी बने। ओम शांति। जी और किसी को शेयर करना है? रॉयल फैमिली वाला पॉइंट रह गया है और पढ़ाई के साथ ही ये वाला भी रह गया, किसी को शेयर करना है ये दो पॉइंट? ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो पढ़ाई, जो पढ़ने और पढ़ाने में विशेष पाठ होगा, वो वहां भी विशेष पाठ बजाएंगे, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई होगी वो विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। फिर रास करने वाले भी हमारे कौन होंगे, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी होगी, हम संगम पर बाप के साथ ही बाप समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। तो बाप समान संस्कारों की रास मिलती है तो वहां रास करेंगे, रॉयल फैमिली में भी आ सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए आशा से जी। दीदी जी बोलिए। इससे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। बाबा ने इसके बाद कहा है कि उच्च फैमिली में कौन आएंगे, तो रॉयल फैमिली में बाबा कहते हैं कि उच्च परिवार में कौन आएंगे, जो सदैव अपनी प्योरिटी की प्रायोरिटी में रहते हैं और कहाँ भी हद के आकर्षण से आंख नहीं दिखती। तो बाबा कहते हैं कि सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति होते हैं, ऐसे रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में जी। अनीता आएंगे। बहन जी बोल सकते हैं, उन्होंने माइक कौन किया था पहले पूछा भी था, बोल सकते हैं वो। ठीक है शेरू भाई जी आपको शेयर कर रहे थे। हाँ जी दीदी, आपने पूछा जीवन की बिल्डिंग के लिए पूछा था आपने। बाबा कहते हैं जो अपने जीवन को यहाँ सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा उनको। बाबा ने उसके आगे कहा, कर्म द्वारा अपनी तकदीर की लकीर खींच रहे हैं,
वह हद की हस्ती रेखाएं हैं और ये जो बाबा अब कर रहे हैं ये कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ होगा और स्पष्ट होगा उतनी ही भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, तो अभी समय हुआ है। शिवा भाई जी आप हमारे साथ हैं, आप हमें होमवर्क दीजिए और लास्ट का 1 मिनट योग कराइए। ओम शांति। तो जिसे सार था कि स्मृति सो समर्थि, तो हम कल दिन भर ये स्मृति में रह सकते हैं कि इस ऊंचे तो ऊंचा बाबा ने बोला ना, बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल का मैं कुल दीपक। और सारा दिन यह चेक करेंगे कि समर्थि कितना रहा मेरे मेरा सारा दिन का, चाहे समय चाहे संकल्प चाहे हर कर्म। तो जैसे बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं या 1 घंटे में जब भी, तो हर एक पिछले घंटा का हम देखेंगे कितना समर्थ रहा स्मृति, मतलब स्मृति स्वरूप अगर बने हैं तो समर्थ आएगा, तो समर्थ रहा या वेस्ट रहा। तो फिर उस हिसाब से हम चेक करेंगे कि समर्थ न होने का कारण क्या है। तो फिर बाबा ने जैसे अलंकार दिया है, चाहे व्यर्थ चला तो हम सुदर्शन चक्र चला सकते हैं, तो या कोई भी हमारा गुण का जरूरत है उस हिसाब से अगर संकल्प आया तो हम उस कोई गुण को पवित्रता आया उस हिसाब से ले सकते हैं, या ज्ञान का ज्यादा अगर मन नहीं लग रहा है तो किसी को ज्ञान के साथ चर्चा करेंगे, ज्ञान का संकल्प बूम बूम करेंगे। तो बेसिकली अटेंशन हम सारा दिन ही रखेंगे, कल पूरा दिन हमको एकदम समर्थी स्वरूप में रहना है और इसी ऊंची ऊंची स्वमान की, बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल का मैं कुल दीपक। तो जैसे बाबा ने बोला ना कि जगती रहे, तो ऐसे सारा दिन मेरा ज्योति जगती रहे और उसकी सिग्नेचर यही है कि सारा दिन समर्थ रहे, ताकि एंड ऑफ द डे हमको मतलब उसी एलिवेटेड फील हो कि नहीं मेरा दिन कितना स्मृति समर्थ स्वरूप रहा, कितना शक्तिशाली रहा। तो इसको ही करते हैं और अभी हम 1 मिनट के लिए सूक्ष्म वचन में अपने फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं। मीठे प्यारे बाप दादा के सामने उस फरिश्ता को बाबा ने सर्व अलंकारों से सजाया। बाबा कह रहे हैं बच्चे, ये जो सारे अलंकार हैं, चाहे सिंबलिक रूप में कुछ अलंकार देवी देवताओं को दिखाए हैं, लेकिन सारे गुण और शक्ति ये तुम्हारी असली श्रृंगार। और सारे दिन इसी सजे सजाए श्रृंगार स्वरूप में रहे। एक कहकर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर अपना बरद हस्त को रखिए, स्वयं भगवान का वरदान का स्पर्श को मैं फील कर रहा हूं। और सारे अलंकारों से सजे सजाया मुझ फरिश्ता को बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, स्मृति समर्थी स्वरूप, स्मृति समर्थी स्वरूप, स्मृति समर्थी स्वरूप। बाबा के इस वरदान और शक्तियों से भरपूर कर मैं साकार वतन में लौट आया और अपने भ्रुकुटि के कुटिया पर विराजमान, अपनी अखंड ज्योति स्वरूप में श्वे महसूस कर। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।